Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, class 3. Hope you all are fine with your best health and iman. Dear students, प्रीवियस लेक्चर्स में आप जानते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा और अपनी लूज शीट्स या रफ कॉपीज पे इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस भी की होगी. तो बेटा, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन से पेजेस करने हैं? आज हमने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पेज नंबर 48-49. पेज नंबर 48-49. आप अपनी एफओजीज ओपन करें पेज नंबर 48. ये देखिए बेटा, ये है आपकी एफओजी का पेज. ये आपकी एफओजी का पेज है जो कि आज हम सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, ये देखें, क्वेश्चन है हमारा चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव केस. आपको ये सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है. इसको आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. ठीक है बेटा, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा देखें, सबसे पहले हमारा सेंटेंस है हिना गोज टू स्कूल एवरी डे. हिना गोज टू स्कूल एवरी डे. अब आपको पता है कि हिना सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं. ठीक है बेटा, और नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंगुलर में डस का इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम डस का इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब के साथ हम एस या ई एस का एडिशन रिमूव कर देंगे. ठीक है बेटा, हिना सिंगुलर नाउन है, इसके साथ डस का इस्तेमाल करेंगे और डस का इस्तेमाल करने के बाद वर्ब के साथ हम एस या ई एस को रिमूव कर देंगे. तो हमारा नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? हिना डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे. हिना डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे. इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारा डज है ना, तो डज स्टार्ट पे आ जाएगा. डज हिना गो टू स्कूल एवरी डे क्वेश्चन मार्क. डज हिना गो टू स्कूल एवरी डे क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आपने इंट्रोगेटिव केस में लाजमी बेटा लगाना है. इसके बगैर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव जो है वो इनकम्प्लीट है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. लिजा लाइक्स पिज्ज़ा. लिजा लाइक्स पिज्ज़ा. अब लिजा भी सिंगुलर है ना, सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ भी हम डस का इस्तेमाल करेंगे. डस का इस्तेमाल करेंगे और लाइक्स जो कि हमारा वर्ब है, इसके साथ जो एस का एडिशन है इसको हम रिमूव कर देंगे. ठीक है बेटा, नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? लिजा डज नॉट लाइक पिज्ज़ा. लिजा डज नॉट लाइक पिज्ज़ा. ठीक है बेटा, इसका इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनाएंगे. इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को जो है स्टार्ट में ले आएंगे. डज लिजा लाइक पिज्ज़ा क्वेश्चन मार्क. डज लिजा लाइक पिज्ज़ा क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. शी नोज मच इंग्लिश. शी नोज मच इंग्लिश. अब शी भी सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे बेटा? डज का. ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डज. शी डज नॉट नो मच इंग्लिश. शी डज नॉट नो मच इंग्लिश. इंट्रोगेटिव देखिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा. डज शी नो मच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क. डज शी नो मच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा. ही स्विम्स एवरी मॉर्निंग. ही स्विम्स एवरी मॉर्निंग. ही भी सिंगुलर नाउन है ना बेटा, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम लगाएंगे? डज का. ही डज नॉट स्विम एवरी मॉर्निंग. स्विम्स के साथ हमारा एस था ना, लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम एस का जो एडिशन है वो रिमूव कर देंगे. ठीक है बेटा, ही डज नॉट स्विम एवरी मॉर्निंग. He does not swim every morning. Interrogative देखे बेटा इसका. इसका interrogative है Does he swim every morning? Question mark. Does he swim every morning? Question mark. ठीक है बेटा, next page देखिए अपना. Next page ये है आपकी FOG का पेज. ये देखिए, ये आपकी FOG का पेज है. ये as it is है, जैसे हम previous कर चुके हैं. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. ठीक है, आपने इसको ऐसे ही आपके एफओजी का पेज है. ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. फार्मर्स ग्रो राइस. फार्मर्स ग्रो राइस. और फार्मर्स ज़्यादा है ना, यानी कि प्लूरल है, तो बेटा आपको पता है कि प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? डू का.
ठीक है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं? डू का. फार्मर्स डू नॉट ग्रो राइस, फार्मर्स डू नॉट ग्रो राइस. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है तो डू को हम स्टार्ट में लेंगे. डू फार्मर्स ग्रो राइस क्वेश्चन मार्क, डू फार्मर्स ग्रो राइस क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, आपको समझ आ रही है ना कि डू का इस्तेमाल हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है. ठीक है, फार्मर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम डू का एडिशन करेंगे. ठीक है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू को हम स्टार्ट में लेंगे. नेक्स्ट देखिए बेटा, योर सिस्टर राइट्स अ लेटर, योर सिस्टर राइट्स अ लेटर. अब योर सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर है ना, तो सिस्टर के साथ भी हम डज लगाएंगे. योर सिस्टर डज नॉट राइट अ लेटर, योर सिस्टर डज नॉट राइट अ लेटर. सिस्टर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे. ठीक है, डज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी बेटा हम क्या करेंगे? डज को स्टार्ट में ले आएंगे. डज योर सिस्टर राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, डज योर सिस्टर राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. ही वर्क्स इन द ऑफिस, ही वर्क्स इन द ऑफिस. ही सिंगुलर नाउन है. ठीक है बेटा, और सिंगुलर नाउन में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डज का. ठीक है बेटा, नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम? ही डज नॉट वर्क इन द ऑफिस, ही डज नॉट वर्क इन द ऑफिस. इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब जो कि डज है उसको स्टार्ट में ले आएंगे. डज ही वर्क इन द ऑफिस क्वेश्चन मार्क, डज ही वर्क इन द ऑफिस क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है तलहा सिंग्स वेल, तलहा सिंग्स वेल. तलहा सिंगुलर नाउन है ना, तो उसके साथ भी हम डज का इस्तेमाल करेंगे. तलहा डज नॉट सिंग वेल. ठीक है, तलहा डज नॉट सिंग वेल. जब डू या डज का हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब के साथ एस या ई एस के एडिशन को रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है बेटा, इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे. डज तलहा रिंग वेल, सॉरी सिंग वेल. डज तलहा सिंग वेल क्वेश्चन मार्क. बेटा इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आपने लगाना बिल्कुल नहीं भूलना. ठीक है, डज तलहा सिंग वेल क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दे बाय न्यू स्कूल बैग, दे बाय न्यू स्कूल बैग. इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम? अब दे प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे हम? डू का. दे डू नॉट बाय न्यू स्कूल बैग, दे डू नॉट बाय न्यू स्कूल बैग. ठीक है, इंट्रोगेटिव देखिए बेटा, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इसका? डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, स्टार्ट में आ जाएगा. डू दे बाय न्यू स्कूल बैग क्वेश्चन मार्क, डू दे बाय न्यू स्कूल बैग क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं. द बॉयज़ ड्रिंक कोका कोला, द बॉयज़ ड्रिंक कोका कोला. अब बॉयज़ ज़्यादा है ना, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? डू का. ठीक है बेटा, द बॉयज़ डू नॉट ड्रिंक कोका कोला, द बॉयज़ डू नॉट ड्रिंक कोका कोला. अब देखिए, कोका कोला में सी जो है कैपिटल है, क्योंकि ये एक नाम है, प्रॉपर नाउन है. ठीक है, कोका कोला क्या है? प्रॉपर नाउन है. ये जस्ट अगर यहाँ पे कोक होता, किसी कंपनी या ब्रांड का नाम नहीं होता, तो हम इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं. कोका कोला एक कंपनी का नाम है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी का नाम है, तो हम इसको जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे. ठीक है बेटा, इसका इंट्रोगेटिव देखिए. डू द बॉयज़ ड्रिंक कोका कोला, डू द बॉयज़ ड्रिंक कोका कोला क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा, ये था आज का लेक्चर आपका. आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आप इसकी अच्छी तरह लूज शीट्स या रफ कॉपीज पे प्रैक्टिस भी करेंगे. सो स्टे ब्लेस्ड अंटिल नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.